गृह मंत्री अमित शाह आज केरल और महाराष्ट्र के चुनावी रण में उतरेंगे। शाह सबसे पहले केरल के अलापुजा जाएंगे, जहां पर सुबह 11 बजे वो जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद अमित शाह महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा के समर्थन में दोपहर 2:30 बजे रैली करेंगे। शाह को आज वाराणसी में पीएम मोदी के चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन करना है। आज की रैलियों में अमित शाह का फिर वही तेवर देखने को मिल सकता है जो कल बंगाल में देखने को मिला था। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर सीएए के मुद्दे पर जोरदार कल हमला बोला। एनआरसी होवे ना, आम्रा बांग्लाय एनआरसी करते देवो ना। सीएए पर अमित शाह की ललकार। कांग्रेस पार्टी या ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है सीए को हाथ लगा कर देखे। सीए पर ममता वर्सेस अमित शाह। बाबदीस देश से क्या हो? एनआरसी उठिए दो वो। क्या उठिए दो वो? यूनिफॉर्म सिविल कोड उठिए दो वो। अमित शाह धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। बेंगलुरु में रोड शो की ये तस्वीरें बता रही हैं कि शाह का उत्साह कितना बढ़ा हुआ है। ऐसी ही झलक पश्चिम बंगाल के मालदा में भी दिखी। इसी भीड़ को देखकर पश्चिम बंगाल के रायगंज में अमित शाह ने ममता बनर्जी को फिर ललकारा और सीए पर खुली चुनौती दे दी। सीए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बांग्लादेश से हिंदू सिख बौद्ध जैन आए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये ममता दीदी विरोध कर रही। मैं ममता दीदी को पूछने आया हूं, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता मिले उसमें आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? क्या अधिकार नहीं है उनका बंगाल पर? भाई और बहनों, अधिकार है या नहीं है? जोर से बोलो, अधिकार नहीं है? अरे, अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का भी मुद्दा उठाया और कहा कि एक तरफ ममता बनर्जी घुसपैठ करा रही हैं, दूसरी तरफ हिंदू और बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता दिए जाने का विरोध कर रही हैं। अमित शाह ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के सीए रद्द करने वाले बयान पर भी करारा वार किया। एक और तो दीदी, आप घुसपैठ करा रही हो और घुसपैठियों को घुसा रही हो और दूसरी ओर शरणार्थियों की नागरिकता का विरोध कर दी। आज कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो सीएए नाबूद करेंगे। मैं कहकर जाता हूं, कांग्रेस पार्टी या ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है सीएए को हाथ लगा कर देखे, हर हिंदू शरणार्थी को नागरिकता मिलेगी मिलेगी मिलेगी। शाह ने सीए को लेकर ममता बनर्जी को घेरा तो ममता ने भी अमित शाह पर पलटवार किया। ममता ने वही लाइन ली जिसे वो बार बार दोहरा रही है। बीरभूम की जनसभा में ऐलान किया कि बंगाल में किसी भी सूरत में एनआरसी नहीं लागू होने देंगे, अगर केंद्र में उनकी सरकार बनी तो वो सीए को भी वापस ले लेंगे। एनआरसी होवे ना, আমরা বাংলায় এনআরসি করতে দেব না, আর বিজেপি গেলে বাপদিস দেশ থেকেও এনআরসি উঠিয়ে দেব। কে উঠিয়ে দেব? ইউনিফর্ম সিভিল কোড উঠিয়ে দেব। আজকে রাজস্থানে মাংস খাওয়া বন্ধ, মধ্যপ্রদেশে বন্ধ, উত্তরপ্রদেশে বন্ধ, ডিম খাওয়া যাবে না, মাছ খাওয়া যাবে না, মাংস খাওয়া যাবে না, বার্লি খেতে হবে, বার্লি। কিছু বুঝলেন? বার্লি খেয়ে থাকবেন আপনারা। আর প্রচার বাবুরা এসে আপনাদের কাছে চার্লি বাবু সেজে ভোট চাইবেন। কেন্দ্র সরকার সিএএ কা নোটিফিকেশন জারি কর চুকি হে, লেকিন ইস বার কে চুনাও মে কই রাজ্যো মে বিরোধিয়ো নে ইসে মুদ্দা বানা লিয়া হে। अब अमित शाह आज केरल से लेकर महाराष्ट्र तक विरोधियों पर और तीखा प्रहार कर सकते हैं।